वो रहने वाले महलों की। नहीं सर, हमें अपना जुर्म कबूल है। रानी ने कोई गुनाह नहीं किया जज साहब, कोई गुनाह नहीं किया। आपको जो कुछ कहना है यहां विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। आपकी बहू अगर कसूरवार नहीं है तो आप अदालत को बताएंगी कि कसूरवार कौन है? बोलिए। मेरी बेटी सलोनी। जज साहब, रानी और विक्रम के बीच में ऐसा कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन हाँ, मेरी बेटी सलोनी और विक्रम के बीच गहरी दोस्ती जरूर थी। रानी ने सलोनी को समझाने की बार बार कोशिश की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विक्रम अच्छा लड़का नहीं है। फिर जब सलोनी की बात समझ में आ गई तो उसने विक्रम के साथ नाता तोड़ दिया। ये बात विक्रम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जज साहब, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने मेरी बच्ची को धमकाना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने सलोनी की सगाई कर दी। सगाई के दिन विक्रम का फोन आया और मुझसे कहा कि अगर मैं उससे मिलने नहीं आई तो वो मेरे घर आ जाएगा और मेरे ससुराल वालों के सामने बहुत तमाशा करेगा। रानी भाभी विक्रम से मिलने जरूर गई थी, लेकिन सिर्फ मेरे खातिर। रानी भाभी अगर अभी चुप है तो सिर्फ मेरी वजह से। वो बिल्कुल बेकसूर है, उनका दामन एकदम साफ है। जज साहब, आप उन्हें सजा देकर इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते, प्लीज। वाह, क्या कहानी सुनाई, इंटरेस्टिंग। आपके हिसाब से आपकी भाभी के विक्रम के साथ कोई संबंध नहीं था, चलिए मान लेते हैं, आपका कहा हुआ मान लेते हैं। मगर क्या आप इस बात से इनकार कर सकती हैं कि आपकी भाभी विक्रम से मिलने होटल में गई थी? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, यहां पर मुकदमा विक्रम की हत्या का चल रहा है। इस बात का नहीं कि उसके किसके साथ संबंध थे या नहीं, इनके बयान से हत्या की वजह बदली जा सकती है, मगर इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि विक्रम का खून हुआ है और खून किया है रानी गोयल ने। योनर, यह गुस्से में भरी हुई होटल के कमरे में पहुंची विक्रम से मिलने के लिए। उन्होंने अपनी ननंद को छोड़ने के लिए कहा, विक्रम नहीं माना, इन्हें गुस्सा आया और इन्होंने बार टूल उठाकर उनके सर पर दे मारा। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं
कि जिस मौत की जिम्मेदार रानी गोयल हैं, उसके लिए उन्हें सजा सुनाई जाए। तमाम गवाहों, सबूतों और वकीलों की जिरह के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विक्रम का खून रानी के हाथों हुआ है। लिहाजा ये अदालत रानी गोयल को कोई भी फैसला सुनाने से पहले आपको मेरी एक बात सुननी होगी। आपको जो कुछ कहना है यहाँ विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। विक्रम का खून रानी ने नहीं किया। मैंने किया है। योर ऑनर, अब ये कौन है? यहां हत्या जैसे सीरियस केस की सुनवाई चल रही है और इन लोगों ने यहां तमाशा खड़ा किया हुआ है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि रानी गोयल को उनके गुनाह की सजा सुनाई जाए। अदालत न्याय का मंदिर होती है। यहां पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें हर किसी को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। कहिए। हाँ जज साहब, मैं विक्रम से बहुत प्यार करती थी, पर विक्रम वो तो सर मुझसे प्यार करने का नाटक करता था। जज साहब, उसकी असली तो ये थी कि वो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था जो हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखा के अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता था। और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। जज साहब, जब मुझे पता चला कि विक्रम मुझे धोखा दे रहा है तो मैं सह नहीं पाई। मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे कि आखिर जिसे मैं अपना तन मन सब कुछ दे चुकी हूँ, वो मुझसे इस तरह से क्यों पेश आ रहा है। उस दिन जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो वहां पे अंधेरा सा था और फिर अचानक किसी ने मेरा पाँव कस के पकड़ लिया और मैंने देखा कि वो तो विक्रम था जो जमीन पे लेटा हुआ था। वो बुरी तरीके से जख्मी था जज साहब, और उसके सर से खून भी बह रहा था। फिर वो उठ के मेरी तरफ बढ़ने लगा। शायद वो मुझे रानी समझ बैठा था। वो मेरा गला दबाने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा शायद वो मुझे मार देना चाहता है और मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो जाके बार टूल्स पे गिर गया और उसकी मौत हो गई। मुझे तभी कुछ समझ में नहीं आया और मैं अपना पर्स उठा के वहां से भाग गई। We'll be right back.
आज के दिन तक इंतजार किया अपना मुंह खोलने के लिए ताकि इस केस को और उलझाया जा सके। नहीं जज साहब, दरअसल उस दिन उस हादसे के बाद मैं बहुत डर गई थी और मैं घबरा के पूना चली गई मेरे अंकल के पास। जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उस पापी विक्रम कोठारी की हत्या के जुर्म में रानी को गिरफ्तार किया गया है, तो रानी मुझे माफ कर दो। योर ऑनर, इन सब सबूतों से और इससे पहले सुरेखा जी और सलोनी के दिए हुए बयानों से यह तो साबित ही हो गया है कि मिस्टर विक्रम एक निहायत ही बच्चलन किस्म का अय्याश इंसान था। भोली भाली लड़कियों को फंसाना, उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना उसका एक शौक था। योर ऑनर, और रितु के हलफिया बयान से यह भी बात साबित हो गई कि मिस्टर विक्रम का खून मिसेज रानी गोयल ने नहीं, रितु ने किया, वो भी अपने बचाव में। योर ऑनर, अब फैसला अदालत के हाथ में, दैट्स ऑल। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि विक्रम का खून रानी गोयल या रितु के हाथ से नहीं हुआ है। विक्रम हालात के शिकार हुए हैं। ये अदालत पुलिस को आदेश देती है कि वो इस केस की दोबारा छानबीन करें। साथ ही ये अदालत रितु को आदेश देती है कि वो बगैर अदालत की इजाजत के यह शहर छोड़कर ना जाए। और साथ ही ये अदालत रानी गोयल को बाइज्जत बरी करती है। मुझे तो मालूम ही नहीं था मेरी बेटी का दिल इतना मजबूत है। बिना तेरी वजह से ये सर कभी कभी नहीं झुका, और आज आज तो गर्व से और ऊंचा हो गया। Mm-hmm.
साहब, आपने तो मेरी झोली में हीरे की कड़ी डाली थी। ये तो मेरी फूटी किस्मत बदकिस्मती भाई साहब, जो मैंने इसे पत्थर का टुकड़ा समझ लिया। भाई साहब, मैं एक माँ हूं, लेकिन आपकी बच्ची को ममता नहीं दे पाई। भाई साहब, ममता नहीं दे पाई। मैं माफी के काबिल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ जरूर कर दीजिएगा। भाई साहब, आपने अपने कलेजे के टुकड़े को, अपनी रानी बेटी को मेरे घर विदा किया था ना। मैं आपसे वादा करती हूँ भाई साहब, वादा करती हूँ, मैं आपकी रानी बेटी को अपने घर की महारानी बनाकर रखूंगी। हाँ, बना के रखो।